गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से एक बार स्वागत है योर इंग्लिश ट्यूटर में आप सभी का। मेरा नाम है अमन। आज का एडिटोरियल आप देख ही चुके हैं, अपलोड हो चुका है, साथ में बिजनेस न्यूज़ भी कर लेते हैं। 13 नंबर पेज है मेरे यहाँ द हिंदू का बिजनेस पेज, इसकी ये साइड की जो न्यूज़ है, GDP नंबर सजेस्ट हाई ग्रोथ इन मीडियम टर्म। बहुत अच्छी न्यूज़ है, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी है। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो GDP नंबर्स सजेस्ट, तो GDP के जो नंबर्स है ना, GDP मतलब हमारा ग्रॉस जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसके नंबर्स जो भी उसके आंकड़े आए हैं वो सजेस्ट करते हैं क्या हाई ग्रोथ इन मीडियम टर्म। मीडियम टर्म के अंदर हाई ग्रोथ, बहुत अच्छी ग्रोथ सजेस्ट कर रहे हैं वो मीडियम टर्म के अंदर, ऐसा कहना एक पैनल का। देखिए पैनल कौन सा है, अभी आगे हम देखेंगे। प्रोजेक्शंस फॉर इनडायरेक्ट टैक्स फ्लक्चुएटिंग। देखिए प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन होता है अनुमान, आगे का अंदाजा। जो अंदाजा जो अनुमान है ना, किसके लिए, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, अप्रत्यक्ष कर के लिए, ऐसा कर जो कि डायरेक्ट उपभोक्ता से नहीं लगाया जाता, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। फ्लक्चुएटिंग, देखिए फ्लक्चुएट करने का मतलब क्या होता है, कभी पलड़ा इस तरफ कभी पलड़ा उस तरफ, अस्थिर है, जो कि स्टेबल नहीं है, जो कि बदलता जा रहा है। नीड टू स्टेबलाइज, यही पैनल का कहना है कि ये फ्लक्चुएट हो रहा है, अस्थिर है, इसको स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है। स्टेबलाइज का मतलब होना है स्थिर करना। तो प्रोजेक्शंस कह रही हैं कि ये आगे बदलेगा, अस्थिर रहेगा और ज़रूरत है इसको स्थिर रखने की। चलिए द 15th फाइनेंस कमीशन, जो भी 15वां फाइनेंस कमीशन है ना, अभी जो चल रहा है उसका नंबर है 15वां। और फाइनेंस कमीशन क्या होता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मैं दे देता हूँ। फाइनेंस कमीशन का काम है जो सारा रेवेन्यू है उसको स्टेट्स और सेंटर्स के बीच में डिवाइड करना जरूरत के हिसाब से। फाइनेंस कमीशन का काम यही है कि केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों के बीच में जो खजाना है उसको कैसे डिवाइड करना है, किस राज्य को कितना खजाना मिलेगा, केंद्र सरकार अपने पास कितना खजाना रखेगी। तो अभी जो है उसका नंबर है 15वां। इससे पहले 14 फाइनेंस कमीशन बन चुके हैं, 5 साल के लिए एक होता है। अभी उसने ऑन थर्सडे गुरुवार को कहा, सेड, क्या कहा, दैट GDP नंबर्स, इंडिया GDP नंबर्स सजेस्ट अ कंटिन्यूड हाई ग्रोथ ट्रेंड। जो इंडिया के जो GDP के आंकड़े हैं ना, वो सजेस्ट करते हैं क्या, एक कंटिन्यूड, एक जारी रहने वाला हाई ग्रोथ, बहुत अच्छी ग्रोथ ट्रेंड। ट्रेंड जो होता है रुझान, एक बड़ा अच्छा हाई ग्रोथ का, जो अच्छी ग्रोथ का, अच्छे विकास का रुझान जो है उसमें चालू रहने वाला, ऐसा वो संकेत करते हैं। कब, इन द मीडियम टर्म। मीडियम टर्म मतलब ना तो लॉन्ग टर्म ना शॉर्ट टर्म, ना वो आज की बात कर रहा है अगले 15 दिन की, और ना वो बात कर रहा है अगले 15 साल की। मीडियम टर्म मतलब 2, 4, 6 महीना की बात कर रहा है मीडियम टर्म। चलिए, इवन दो दे हैव फ्लक्चुएटेड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। इवन दो, देखिए दो, ऑल दो और इवन दो, ये तीनों एक जैसे ही वर्ड है। हालांकि, इसका मतलब होता है हालांकि, बस इवन दो आप जब लगाओगे ना, इसका मतलब है बहुत पावरफुली ये बोल रहा है। सबसे ज़्यादा पावरफुल जो होता है इन तीनों में से वो होता है इवन दो। इवन दो हालांकि दे हैव फ्लक्चुएटेड, वो फ्लक्चुएट हो चुके हैं, वो जो है अस्थिर रह चुके हैं इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, फ्यू ईयर्स के अंदर। चलिए द कमीशन एंड इट्स मेंबर्स, इसके जो कमीशन के जो इसके मेंबर्स ने मेड दीज ऑब्जर्वेशंस, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये चीज़ें जो है देखी क्या, ड्यूरिंग अ मीटिंग। अच्छा ये हुआ कब, एक मीटिंग के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान, और एक सभा के, मीटिंग के। अब किसके साथ थी, विथ सीनियर ऑफिशियल्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इस मीटिंग में थे कौन कौन, सीनियर अधिकारी, सीनियर ऑफिशियल्स, किसके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, इंक्लूडिंग, अब इसमें इंक्लूड कौन कौन, शामिल कौन कौन था, फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग, रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी गिरीश चंद्र मुर्मू, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस चेयरमैन PC मोदी एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स PK दास। तो ये सब जो अधिकारी जो थे ना, ब्यूरोक्रेट्स थे, इस मीटिंग के अंदर शामिल थे, और इस मीटिंग के दौरान इस कमीशन ने ये ऑब्जर्व किया, ये जो सारे के सारे स्टेटमेंट्स दी कि GDP के आंकड़े जो है मीडियम टर्म में अच्छे रहने वाले हैं, ग्रोथ में जो ट्रेंड है वो अच्छे रहने वाले हैं। चलिए द फाइनेंस कमीशन हेल्ड कंसल्टेशंस, देखिए हेल्ड कंसल्टेशंस मतलब रखी वार्ता, फाइनेंस कमीशन ने वार्ता रखी, वार्ता की, बातचीत की, विद सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये सारे ऑफिशियल्स हैं ना, इनसे बात की, सीनियर ऑफिशियल्स हैं ये, हैं इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, ऑन द ओवरऑल, देखिए ओवरऑल होता है कुल मिला के, तो किस पे कि कुल मिला के इकोनॉमिक सिचुएशन, जो कुल मिला के जो इकोनॉमिक सिचुएशन है ना, जो आर्थिक, जो हमारी अर्थव्यवस्था की जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है उस पे, एंड की इकोनॉमिक वेरिएबल्स, की मतलब महत्वपूर्ण, और इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, और वेरिएबल्स मतलब घटक,
महत्वपूर्ण आर्थिक घटक और जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन है, इन दोनों चीज़ों पे फाइनेंस कमीशन ने बातचीत की मिनिस्टर्स के मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ। दीज डिस्कशंस, देखिए कोर्ट के अंदर आ रही है, कोर्ट के अंदर जब भी कोई चीज़ आएगी इसका मतलब ये है कि जैसा किसी ने बोला है वैसा का वैसा हम यहाँ छाप रहे हैं। तो उसने किसी ने कुछ बोला है तो क्या बोला है उसने, दीज डिस्कशंस आर क्रेडिबल टू द ऑन गोइंग वर्क। देखिए क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय, जिसका विश्वास किया जा सके, जो चीज़ सही हो। तो यहाँ पे इसने यूज़ किया है सही के फॉर्म में कि ये जो डिस्कशंस है ना, ये जो बातचीत है, ये क्रेडिबल हैं, ये सही हैं। किसके लिए? टू द ऑन गोइंग वर्क। ऑन गोइंग मतलब जो चालू है, और वर्क मतलब काम, जो काम अभी चालू है उसके लिए बड़ी काम आने वाली है, बड़ी विश्वसनीय तरीके से सही है ये सारी बातचीत। किसके? अभी काम क्या है? ऑफ द कमीशन, ये फाइनेंस कमीशन का काम है। काम है टू रीच एन अप्रोप्रिएट कंक्लूजन। देखिए रीच मतलब पहुंचना, अप्रोप्रिएट मतलब सही, और कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। एक सही निष्कर्ष निकालने में, सही निष्कर्ष की तरफ पहुंचने का जो काम है। अब ये निष्कर्ष किस पे निकालना है? ऑन बोथ द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। देखिए बोथ मतलब दोनों, वर्टिकल मतलब देखिए ऊपर से नीचे कोई चीज़ होती है ना, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल, क्षैतिज, जो ऊर्ध्वाकर, मतलब ऊपर से थर्ड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ कोई चीज़ आएगी तो वर्टिकल जो है उसकी मूवमेंट हो गई। एंड हॉरिजॉन्टल होती है क्षैतिज, जब आप ऐसे चलते हैं, ऐसे, समझ रहे हैं आप, जो इस तरीके से चलते हैं इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से चलते हैं हम इसको बोलते हैं वर्टिकल। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, डिवोल्यूशन का मतलब है सौंपना, आगे किसी को हस्तांतरण कर देना, दे देना। अब ये डिवोल्यूशन क्या है? देखिए फाइनेंस कमीशन का काम यही होता है कि पैसा जो है वो बांट देना। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन की बात करेगा तो मतलब वर्टिकली पैसे को बांटेगा। वर्टिकली मतलब सेंटर से स्टेट्स की तरफ, वर्टिकल डिवोल्यूशन मतलब केंद्र सरकार से स्टेट्स की तरफ। और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि हर स्टेट को बराबर नहीं देगा, किसी स्टेट को कम, किसी स्टेट को ज़्यादा। तो वो स्टेट्स जो हैं आपस में बराबर हैं, तो बराबर जो है उस पर लेवल पे खड़ी है, तो उनमें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब स्टेट्स के बीच, और वर्टिकल का मतलब सेंटर से स्टेट्स के बीच। तो ये सेंटर और स्टेट के जो बंटवारा है ना, उसकी ये जो निष्कर्ष निकालेगा उसके लिए डिस्कशंस बहुत ज़रूरी हैं। ये किसी ने ऐसा कहा, देखिए कोर्ट में बंद है, किसने कहा? द स्टेटमेंट एडिट, ये स्टेटमेंट ने कहा, जो स्टेटमेंट इन लोगों ने, कमीशन वालों ने दी थी। चलिए द कमीशन ने ऑब्जर्व किया, द कमीशन ऑब्जर्व, फिर से उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट द जीडीपी नंबर्स हैव समवट फ्लक्चुएटेड। जो जीडीपी के जो आंकड़े हैं उन्होंने समवट मतलब कुछ लेवल पे, समवट मतलब कुछ लेवल पे फ्लक्चुएटेड, उन्होंने फ्लक्चुएट किया है, वो अस्थिर रहे हैं विद इन द ओवरऑल ग्लोबल ग्लोबल ट्रेंड। विद इन मतलब के अंदर, ओवरऑल मतलब कुल मिलाकर के, वैश्विक जो रुझान है, जो पूरी दुनिया के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है, रुझान चल रहा है इकोनॉमी का, उसके अंदर कुछ हद तक देखा जाए तो हमारे जीडीपी के आंकड़े जो हैं वो जो है फ्लक्चुएट हुए हैं। अच्छा विच सजेस्ट, जो ये सजेस्ट करता है, जो ये बताता है, कंटिन्यूड हाई ग्रोथ ट्रेंड ओवर द मीडियम। देखिए कंटिन्यूड जारी रहने वाला, हाई ग्रोथ बहुत अच्छी ग्रोथ वाला, बहुत अच्छे विकास वाला ट्रेंड रुझान, तो बहुत अच्छी ग्रोथ वाला एक रुझान जो है वो जारी रहेगा ओवर द मीडियम टर्म। तो मीडियम टर्म के अंदर ये जो है रुझान जारी रहने वाला है, ये बताती है स्टेटमेंट। द कमीशन ऑल्सो मेड नोट ऑफ, देखिए वहाँ आ रहा था ऑब्जर्व्ड, अभी आ गया मेड नोट ऑफ, दोनों का मतलब एक ही है। तो कमीशन ने ये भी ऑब्जर्व किया, ये भी एक नोट बनाया कमीशन ने। अच्छा क्या नोट किया उसने? रेवेन्यू प्रोजेक्शंस। रेवेन्यू होता है खजाना, रेवेन्यू होता है जो आप जो आवक लेते हो, गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। ये जो खजाना गवर्नमेंट का जो है ना, उसकी प्रोजेक्शंस, उसके अनुमान, उसका अंदाज लगाया, तो उसने नोट बनाया जो अंदाज था उसका खजाने का उसका। एंड सेड, और कहा दैट ऑल दो, देखिए अब आ गया ऑल दो, यहाँ पे आया था इवन दो, ऑल दो थोड़ा सा जो है वीक होता है इवन दो से, इसका मतलब भी होता है हालांकि, ऑल दो हालांकि द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस, जो डायरेक्ट टैक्स की जो कलेक्शन है ना, डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जो टैक्स सीधे हम उपभोक्ता से लेते हैं, गवर्नमेंट सरकार जो है सीधे के सीधे कंज्यूमर से लेती है, जैसे इनकम टैक्स, जो सीधे सीधे कंज्यूमर जो है गवर्नमेंट को अलग से देता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो उपभोक्ता सीधे सीधे नहीं देता, वो कोई चीज़ खरीदता है उस चीज़ के अंदर उस टैक्स का प्राइस जो है वो ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है, इंक्लूसिव होता है। तो डायरेक्ट टैक्स की जो कलेक्शंस है ना, ऑल दो हालांकि एंड प्रोजेक्शंस आर हेल्दी, उसकी कलेक्शन और प्रोजेक्शन, उसका जो अभी जो इकट्ठा हुआ और जो आगे का जो अनुमान है, दोनों हेल्दी हैं, दोनों स्वस्थ हैं, दोनों अच्छे हैं। द वंस फॉर इनडायरेक्ट टैक्स हैव बीन फ्लक्चुएटिंग, देखिए हालांकि ये तो अच्छे हैं
परंतु जो इनडायरेक्ट टैक्स की वंस फॉर ये बात कर रहा है दूसरे की, द इनडायरेक्ट टैक्स हैव बिन फ्लक्चुएटिंग, वो अस्थिर है एंड नीड टू स्टेबलाइज, उनको स्टेबलाइज करने की जरूरत है इन अ स्ट्रोंगर पोजिशन, उनको स्टेबलाइज करके एक स्ट्रोंगर मजबूत स्थिति में लाने की जरूरत है। अब ये पूरा कोट टू कोट किसने बोला, अ सीनियर ऑफिशियल इन फाइनेंस मिनिस्ट्री टोल्ड, एक सीनियर ऑफिशियल ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर बताया द हिंदू को फॉलोइंग द मीटिंग, इस मीटिंग के जस्ट बाद में, फॉलोइंग मतलब बाद में इस मीटिंग के। चलिए रेशनलाइजिंग स्कीम्स, रेशनलाइज का मतलब होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा जस्टिफाई, जस्टिफाई अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ मैं आपको, किसी चीज़ को आप सही सिद्ध करते हो ना, ये सही है यार, एक मतलब होना ही चाहिए, उसको हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन या जस्टिफाई। तो जस्टिफिकेशन या रेशनलाइजेशन का मतलब है आप किसी चीज़ को बता रहे हो कि ये क्यों होनी चाहिए, तो अब ये रेशनलाइजिंग स्कीम्स मतलब स्कीम्स क्यों होनी चाहिए, जो स्कीम गवर्नमेंट की चलती है ना, जिसके अंदर लोगों को पैसा बांटते हैं, सब्सिडी देते हैं, तो उनको रेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है, उनको सही सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है ये आर्टिकल। कैसे, द कमीशन एंड द मिनिस्ट्री ऑल्सो स्पोक अबाउट देयर एक्सपेंडिचर साइड। अभी तो देखिए रेवेन्यू की बात हो रही थी, इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स, अब रेवेन्यू की बात नहीं हो रही, अब खजाने की बात नहीं हो रही, अब बात कर रहे हैं खर्चे की, उस खजाने से होने वाले खर्चे की बात कर रहे हैं। द कमीशन और मिनिस्ट्री ऑल्सो साथ ही साथ भी बात की उन्होंने एक्सपेंडिचर साइड की, खर्च की तरफ की बात की उन्होंने, एंड हाउ टू रेशनलाइज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, और क्या बात की, हाउ टू कैसे रेशनलाइज करें, कैसे सही सिद्ध करें, कैसे जस्टिफाई करें, क्या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ऐसी स्कीम्स को जो कि सेंटर स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिनका पैसा देता है, स्पॉन्सर करना मतलब प्रायोजन करना, पैसा देना, तो ऐसी स्कीम्स जिनके अंदर सेंटर से पैसा आता है उन स्कीम्स को कैसे जस्टिफाई किया जाए, इस बारे में बात की और बात की एक्सपेंडिचर साइड की। चलिए द 15th फाइनेंस कमीशन हैज़ बीन होल्डिंग डिटेल्ड डिस्कशन, तो फाइनेंस कमीशन जो 15वां हैज़ बीन होल्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, ये करता आ रहा है क्या, होल्ड, होल्ड मतलब रखना, क्या डिटेल्ड डिस्कशंस, बहुत डिटेल के अंदर वार्ता बातचीत को विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीने में, ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स मतलब पिछले कुछ महीनों की बात है, ये किस लिए कर रहे हैं, टू डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज, डिस्कस करने के लिए, बातचीत करने के लिए, क्या कॉन्सिक्वेंसेज को, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं नतीजे, उन नतीजों पर बातचीत करने के लिए ऑफ द 7th पे कमीशन एंड उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, नतीजे किसके, 7वां वेतन आयोग जो है, पे कमीशन आप जानते होंगे, एंड उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, एक योजना है, इन दोनों के जो नतीजे हैं ना, इसके लिए वो बातचीत करता आ रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री से पिछले कुछ महीनों से। अब ये नतीजे किस पे, ऑन फाइनेंशियल पोजिशंस ऑफ द स्टेट, जो हमारे प्रदेश हैं, जो स्टेट्स हैं, उनकी फाइनेंशियल पोजिशन पे, उनकी आर्थिक जो परिस्थिति है उसके ऊपर, तो 15 जो फाइनेंस कमीशन है इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ पिछले कुछ महीनों से डिस्कशंस बातचीत करता आ रहा है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मुलाकात होगी कल फिर, तब तक के लिए योर इंग्लिश ट्यूटर साइनिंग आउट।